हेलो बेटा, वंस अगेन यू आर वेलकम फॉर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड वी आर लर्निंग आर चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 इज़ भोली. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इज़ भोली, रिटन बाय के ए अब्बास. सो इन दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल भोली इज शॉन वेयर शी हैड टू स्ट्रगल लॉट टू गेट हर पोजिशन इन द सोसाइटी. Actually, in her childhood, she met with so many accidents that she remained a mentally backward child. Moreover, her body had been disfigured because of smallpox. In this way, she is neither good-looking nor intelligent. Now, the turn came in her life when she went to a school where teacher encouraged her. Teacher encourage karti hai Bholi ko bahut sare tarike se. ठीक है, फर्स्ट टाइम भोली, बिकॉज शी ऑल्सो स्टैमर्ड बैडली, दैट्स वाई फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ भोली स्पीक वेरी क्लियरली वेन टीचर एनकरेज हर. एंड इन दिस वे शी थॉट दैट द वर्ड्स आर वेरी टचिंग. नाउ हर हार्ट, अब उसका जो दिल है वो धड़कने लगता है विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ से. क्यों? बिकॉज द टीचर मोटिवेटेड हर बाय सेइंग हर सो मैनी एनकरेजिंग वर्ड. कैसे वर्ड्स थे वो हम अभी पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स रीड वंस मोर. गेट अप, सेड द टीचर. टीचर उसको बोली है कि नाउ यू विल गेट अप, बिकॉज इट्स नॉट अ कमांड, आई एम जस्ट सेइंग यू फॉर द सजेशन. मैं सिर्फ तुम्हें सलाह दे रही हूँ, फ्रेंडली सलाह दे रही हूँ. तो भोली गोट इंस्पायर्ड एंड एट वंस गॉट अप. इंस्पिरेशन उसको मिली और एकदम से खड़ी हो गई. अब अपना नाम बताओ, जैसे भोली से उसने नाम पूछा है. नाउ द गर्ल एट वंस ब्रोक आउट इनटू स्वेट एंड हर होल बॉडी ड्रेंच इनटू स्वेट. पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगा, वो पसीने से भीग गई. अब उसे लगा कि उसकी स्टैमरिंग जो टंग है, हकलाने वाली जो जुबान है, वो उसको डिस्करेज करेगी. बट फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड लेडी शी वॉन्टेड टू मेक सम एफर्ट, सो शी डिसाइडेड टू से इट वंस मोर. And when she was able to, and when she was able to speak, then she thought that it's her, the impact of the soothing voice of the teacher, that she spoke very clearly. Actually, earlier she thought that the teacher had such a soothing voice and she would not laugh her. That's why she continued her efforts. And at last, by saying the word Baba Bo, she at last spoke her name very clearly like Bholi. Because teacher encouraged her very much. She relieved much. Relieved का मतलब उसे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई कि मैंने कितना अच्छा अपना नाम बोल दिया है. ठीक है, एंड शी थॉट दैट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर. नाउ द टीचर पैटेड हर विद अफेक्शनेटली, मतलब वेरी लविंगली, प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया और क्या बोली, वेल डन, बहुत अच्छा किया तूने. पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट. नाउ पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ द टीचर, बिकॉज दीज आर द एनकरेजिंग वर्ड ड्यू टू विच द गर्ल गोट इंस्पिरेशन. यही वो वर्ड है जो वो आगे बोल रही है. ठीक है, क्या टीचर बोल रही है. टीचर ने क्या कहा, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask really. ठीक है, टीचर ने उसको कहा अपने भय से दिल को निकाल दो और फिर तुम देखोगे कि तुम भी दूसरों की तरह बोलने लग जाओगी. और Bholi उसकी तरफ देखने लगी जैसे कि सच में उससे पूछ रही है क्या ऐसा हो सकता है. तो इस तरह से टीचर ने उसको एनकरेज किया. और क्या क्या वर्ड बोले टीचर ने हम आगे देखेंगे. यस, इट विल बी वेरी ईजी. टीचर ने कहा हाँ ये बहुत ईजी है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुम आओगी ना. भोली ने सिर हिलाया. नो से इट लाउड. टीचर बोले नहीं, इसको जोर से बोल के बताओ मुझे. यस. और भोली खुद भी एस्टोनिश्ड हो गई. एस्टोनिश्ड का मतलब हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई है कि शी हैड बीन एबल टू से इट विदाउट मच एफर्ट, कि इस बार उसने ज़्यादा कोई एफर्ट किए नहीं और वो यस बोलने में कामयाब रह गई. Didn't I tell you? Now take this book. देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बोलने लग जाओगे, सिर्फ डरो मत. अब वो उसको एक बुक देती है. This book was full of nice pictures. ये बुक पिक्चर से भरी हुई थी. वहाँ पे हर कलर की पिक्चर थी. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक द लक्ष्मी. यानी कि एवरी एनिमल हैज़ बीन प्रिंटेड देयर एंड विद एवरी पिक्चर देयर वॉज वर्ड इन ब्लैक लेटर्स. और हर पिक्चर के साथ साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी था. ठीक है, Now the teacher said in encouraging word to Bholi. क्या बोली इसको encourage करते हुए. In a month you will be able to read this book. एक महीने में तुम इस book को पढ़ने लग जाओगी. ये हैं encouraging words. ठीक है, then I will give you the bigger book. इस line को बेशक छोड़ देना,
ठीक है, एंड इन टाइम यू विल बी द मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन विलेज. आने वाले समय में तुम क्या करोगी, गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी. तब नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा. ये नेक्स्ट बात थी, ठीक है. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी स्टैमरिंग. ये अलग अलग बातें टीचर बोलती है, एनकरेजिंग वर्ड. तो अगर हम अपनी ज़ुबान में लिखेंगे तो बेटा पहला वर्ड कौन सा लिखेंगे हम बिल्कुल पहला जो बात थी वो यही लिखेंगे. द टीचर एनकरेज भोली बाय सेइंग दैट इन वन मंथ शी विल बी एबल टू रीड द बुक एंड इन नो टाइम शी सेकेंड फर्स्ट थिंग इज दैट शी विल लर्न द बुक इन अ मंथ ओनली. एंड सेकेंड थिंग शी एनकरेज्ड बाय सेइंग दैट वन डे शी विल बी द मोर लर्न्ड गर्ल इन विलेज देन एनीवन एल्स. थर्ड थिंग देन नोबडी विल एवर लाफ एट भोली. फोर्थ थिंग देन द पीपल विल लिसन टू हर विद रिस्पेक्ट. एंड फिफ्थ थिंग देन होली विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइल टेस्ट स्टैमर. थोड़ा सा भी हकलाए बिना बोलने में कामयाब हो जाएगी. तो यू हैव टू लर्न दीज फाइव लाइन्स वेरी एक्यूरेटली बिकॉज विद दीज फाइव एनकरेजिंग लाइन्स द टीचर एनकरेज होली एंड हर हार्ट फिल्ड विद ग्रेट होप एंड न्यू लाइफ. तो कौन सी वो पांच बातें थी, लेट्स रिकैप्चुलेट वंस मोर. कौन सी बेटा, दैट वन डे शी वुड बी एबल टू रीड द बुक इन नो इन वन मंथ. वेरी गुड, इन वन मंथ शी वुड बी एबल टू रीड द बुक. देन वन डे शी वुड बी द मोस्ट लर्न्ड गर्ल इन द विलेज, ठीक है. थर्ड थिंग देन पीपल वुड नेवर लाफ एट हर. Fourth thing that people will listen to her with great respect. And fifth thing that without slightest stammer she would be able to speak. So with these five encouraging lines the teacher encouraged Bholi. Now Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the house, the school house had blossomed into big red flowers. अब भोली को फील हुआ कि अचानक से मंदिर की घंटियां बजने लगी हैं. वाई एक्चुअली नो बेल ऑफ द विलेज वॉज रिंगिंग. सो वट हैपनिंग एक्चुअली दिस इज द रे ऑफ न्यू होप. दिस इज द अवेकनिंग इन हार्ट ऑफ भोली दैट शी फेल दैट एवरीवेयर बेल्स वर रिंगिंग. ओके, नॉट एक्चुअली द बेल वर रिंगिंग. So she felt that the bells were ringing and now the trees in front of her house and school were blossomed into new flowers. His heart was now filled with new hope and life. Throbbing का मतलब क्या होता है, थडिंग होना यानी कि धड़कना, ठीक है. तो वो कहते हैं नई होप नई जिंदगी से धड़कने लगा. Why? Because of those five encouraging line spoken by the teachers, because of the encouraging word. Actually the teacher spoke in such a calm and soothing voice that Bholi felt relieved. Teacher also encouraged Bholi that she would be able to read all the book in one month and in a few days in coming year she would be one of the most learned girl in the village. Then nobody would laugh at her and then everyone would listen to her very respectfully and then she would be able to speak without stammering a word. On hearing, on listening these words, Bholi's heart filled with new hope and new life. In this way the years passed. और इस तरह से इतना खुश हो गई भोली के दिन बीतते जा रहे थे. Now some changes came in the village. कुछ गांव में changes हुए हैं. जैसे कि गांव क्या बन चुका है, ये कुछ characteristics हैं, क्या क्या changes आए. पहले ये कि गांव बदल चुका है, किसमें, एक छोटे से शहर में, टाउन में बदल चुका है. ओके, दूसरी बात क्या हुआ है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो था वो अब हाई स्कूल बन चुका है. पहली बात, गांव बन चुका है शहर में, प्राइमरी स्कूल बिकम द हाई स्कूल. नाउ द थर्ड थिंग, देर इज ऑल्सो अ सिनेमा हॉल अंडर द शेड. चौथी चीज़ सिनेमा हॉल, तीसरी चीज़ खुल चुकी है, चौथी चीज़ है नाउ अ कॉटन गिनिंग मिल ऑल्सो इज देयर ऑल्सो इन द विलेज, ठीक है. ये चौथी चीज़ है. और पाँचवीं चीज़ कौन सी खुली है, कौन सी नहीं हुई है, कि द मेल ट्रेन नाउ बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज. उनके गांव के रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन भी रुकने लगे. तो ये पांच चेंजेस हुए हैं कब, जब भोली ग्रोन अप हो रही है आने वाले समय में, ठीक है. सो नेक्स्ट इज वन नाइट. तो इस तरह से दिन बीतते गए. नाउ नोबडी ऑब्जर्व द चेंजेस इन भोली.
कोई चेंज नहीं कर रहा है भोली में, कोई ऑब्जर्व कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया. ओनली भोली एंड टीचर न्यू वर्ड्स गोइंग ऑन, हिज कैरेक्टर इज इम्प्रूविंग अ लॉट, दिस इज सर्टिफाइड ओनली बाय द टीचर, बट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू रिकाउंट हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स द टाइम जस्ट टू बी क्वाइट आउट बिकॉज एट लास्ट शी हैज़ टू कम इन ब्राइट कलर्स. So one night after the dinner, Ramlal discussed his wife that whether they should accept Bishambhar's proposal or not. Bishambhar का proposal उनको accept करना है या नहीं करना है, ये उन्होंने decide करना था एक रात. तो wife क्या कहती है, आपको certainly we have to accept. क्यों accept करना चाहिए? आप देखो ये है positive qualities कि उसको क्यों accept करना चाहिए. कौन सा? That Bishambhar is a well-to-do bridegroom. The parents accepted Bishambhar's marriage proposal because the Bishambhar Nath is a well-to-do grocer. एक grocer है पंसारी जो कि well-to-do है, नंबर एक बात. दूसरी, he had a big shop. ठीक है. तीसरी, that he has his own house. और चौथी, that he has a very good bank balance. और पांचवी, that he is not asking for any dowry. That's why the parents accepted Bishambhar's marriage proposal. इन पांच पॉजिटिव चीज़ों से पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल. तो कुछ नेगेटिव क्वालिटीज थी तभी तो इतना सोच रहे थे. यस, सो दीज आर द नेगेटिव क्वालिटीज़ की एक्सेप्ट की थोड़ा सा सोचना पड़ा था. दे हैड टू थिंक अ लॉट बिफोर एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल बिकॉज Bishambhar इज नॉट सो यंग, ही इज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ भोली इज फादर. ठीक है, पहली बात, ही इज नॉट सो यंग, ही इज ऑलमोस्ट द एज ऑफ हर फादर. सेकेंड थिंग, ही इज ऑल्सो अ लेम. ठीक है. थर्ड थिंग, दैट द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ए ग्रोन अप. ठीक है, बच्चे भी उसकी जो पहली वाइफ से बच्चे थे वो भी ग्रोन अप हो चुके हैं. तो इन तीन चीज़ों को हमने अपने दिमाग में बिठाना होगा कि दीज आर द नेगेटिव ट्रेट्स. दैट्स वाई दे हैड टू थिंक अ लॉट, लेकिन स्वीकार कर लिया क्योंकि वो पांच ट्रेट मैंने आपको बताए हैं. सो अब उसकी वाइफ बोलती है, तो क्या बात हुई, 45 and 50 इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. 45 या 50 ये कोई ज़्यादा बड़ी एज नहीं है किसी आदमी के लिए. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है. एंड ही डजेंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स. उसकी इस काले धब्बों के बारे में Bishambhar को कुछ नहीं पता है. और हर लैक ऑफ सेंस, उसकी जो बुद्धिहीनता है, उसके अंदर जो दिमाग नहीं है उसका भी नहीं पता है. तो हम लकी हैं कि वो कुछ नहीं जानता. If we don't accept this proposal, अगर हम इस proposal को नहीं मानेंगे, she may remain unmarried all her life. तो सारी ज़िंदगी unmarried रह जाएगी. But yet I wonder what Bholi will say. लेकिन मुझे फिर भी हैरानी है कि Bholi क्या कहेगी. वो father कहता है. ठीक है, फिर से wife का जवाब हुआ, what will that witless one say? वो मूर्ख क्या बोलेगी. She is like a dumb cow. वो तो एक गूंगी गाय हैं. तो रामलाल क्या कहते हैं, मे बी यू आर राइट, मटर रामलाल. मटर का मतलब स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस टू वन सेल्फ. खुद से ही लो वॉइस में बातें करना होता है, मटरिंग करना, मटर करना. ठीक है, वन सेल्फ से लो वॉइस में बात करना है, लेकिन किससे, वन सेल्फ से. ठीक है, खुद से ही, वन सेल्फ से, खुद से ही लो वॉइस में बात करना होता है, मटरिंग करना. तो रामलाल क्या बोला, मे बी यू आर राइट, तुम ठीक हो सकती हो. इन अनदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, यानी कि आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली अभी भी जागी हुई, अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, अपने पेरेंट्स की सारी विश्परिंग को सुन रही थी. कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, विश्परिंग मतलब धीरे धीरे होने वाली कानाफूसी. ये भी होता है स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस, मटरिंग भी स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस, विश्परिंग इज ऑल्सो स्पीकिंग इन ए वेरी लो वॉइस. लेकिन मटरिंग इज वन सेल्फ. ठीक है, मटरिंग का मतलब क्या होता है, वन सेल्फ से करना, किसी एक से बातें करना, मतलब खुद से ही बातें करना. लेकिन विश्परिंग का मतलब होता है टू वन अनदर. ओके, एक दूसरे से बातें करना, टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करना होता है, लेकिन कैसे, बड़े लो वॉइस में. ओके, सो नाउ Bishambhar Nath वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, एक बहुत अमीर पंसारी था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस. वो अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी के साथ शादी के लिए आया है क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ना. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. तो इंडियन फिल्म की एक बहुत अच्छी धुन बज रही थी बैंड पे और वो आगे आगे चल रहा था. हेडेड का मतलब लीड करना होता, प्रोसेशन का मतलब पूरी बारात के आगे.
विद द ब्राइडग्रूम, और ब्राइडग्रूम कहाँ पे था भाई, एक सजे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था। रामलाल ओवरजॉयड, मतलब बहुत खुश हो गया, टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतना ज़्यादा लग्जूरियस, इतना ज़्यादा शानदार बारात देख करके रामलाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी डॉटर की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोले की एल्डर सिस्टर जो वहाँ पे इस ओकेजन के लिए आई थी, वो भी एनवियस हो गई थी इस ओकेजन पे। एनवियस का मतलब क्या होता है बेटा, जेलस होता है। क्या होता है? जेलस, JELOUS, जेलस होता है, ठीक है। वो भी उससे जेलस थी कि देखो कितनी ग्रैंड मैरिज है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, द प्रिंस सेड ब्रिंग द ब्राइड, जब वो शुभ घड़ी आई तो पुजारी क्या बोला कि दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने लाल सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उसको सेक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि के पास लाया गया दुल्हन की जगह पे। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना। विशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने एनकरेज किया है उसको कि अब आप माला डाल दो, ठीक है, माला डाल दो। इसीलिए दूल्हे ने गार्लैंड उठाई है येलो मैरी गोल्ड्स की, पीले रंग के फूलों की माला उठाई जो कि गेंदे के थे, ठीक है। और एक औरत ने स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम भोले'स फेस, एक औरत ने सिल्क का जो घूंघट था वो भोले के चेहरे से हटा दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंबर ने एक दृष्टि उस पर डाली, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, उसके हाथों में माला वहीं पे रुक गई। पॉइज का मतलब क्या होता है, स्टक देयर एट वंस, ठीक है, यानी कि रिमेन्स देयर एट द सेम टाइम, वहीं पे रुक गई थी। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने यानी कि भोली ने फिर से वो घूंघट अपने चेहरे पे कर लिया। फिर विशंबरनाथ का एक फ्रेंड पूछता है, हैव यू सीन हर, तुमने उसे देखा? यस, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या हैं, धब्बे हैं काले काले, ठीक है। तो क्या मैरिज होगी या नहीं होगी, वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।